अच्छा दिखता चेहरा। और अभी निकले, फ्रेश वेश हो गए हम लोग, और अभी बाहर जाके थोड़ा सा घूम कर आते हैं। सरे करके एक सरदार लोगों का एरिया है, यानी वहाँ बहुत अपने इंडियन सरदार वहाँ पे रहते हैं, तो जाके देखते हैं कैसा। थोड़ी रात हो गई है, अंधेरा हो गया है, लेकिन देखते हैं जितना भी दिखेगा, नहीं तो कल तो घूमने जाना ही है। अभी ज़्यादा भूख भी नहीं लगी है, थोड़ा टाइम है। स्विमिंग पूल में जाने वाले थे हम लोग पहले, लेकिन आज नहीं जा रहे, शायद कल जाएंगे। तो ऐसे अभी घूमने के लिए निकल गए हैं, और मैं पीछे के सीट पे बैठी हूँ। ये गाड़ी ना इतनी बड़ी है, और यहाँ गाड़ी के अंदर ही मैं इतनी मोटी घूम सकती हूँ, ये सीट से वो सीट पे, वो सीट से ये सीट पे जा सकती हूँ। तो चलो कहाँ जा रहे, फिर वहाँ जाने के बाद मिलती हूँ आपको। Are you hungry? You want to eat chicken? और अभी हम लोग आ गए अफगानी किचन में। तो यहाँ इतनी भीड़ है, और ये इतना अलग अलग ही खाना दिख रहा है, टेस्टी टेस्टी, और बहुत भीड़ है, वेटिंग पे है सब। अच्छा हो गया हम थोड़ा जल्दी आ गए, तो हमको एक टेबल मिल गया। और सब गोरे लोगों का अपना खाना, अफगानी लोगों का खाना बहुत अच्छा लगता है। और ये आ गया हमारा खाना, ये देखो पिंक गाजर, पिंक खाना। और ये ये अभी हमारा खाना, हम लोग खाएंगे। और ये डेजर्ट आ गया हमारा, देखो केक है, और ये मिल्क मेड है इसमें, और ये साइड में डेकोरेशन है, और ये देखो खीर, खीर टाइप का ऐसे कुछ है। ये तीनों आ जाओ सब मुंह मीठा करने के लिए। अभी खाना हो गया, तो खाना तो होना। आपल्याला गाडीत नाही जायचं आहे। गुड मॉर्निंग, और होटल में ना जार में पानी रखा था, और जार में पता है एक में लेमन थे, एक में ककुम्बर था, और एक में कुछ तो भी ऐसे फ्लेवरफुल पानी था वहाँ का। और देखो कितना सुंदर दिख रहा है होटल के सामने, एक भी पत्ती नहीं है पेड़ को, लेकिन पेड़ बहुत सुंदर दिख रहा है। और बारिश आ रही, और ये हमने खुला रखे थे। पिक्चर मध्ये पाहतो ना, इंग्लिश मूवी में देखते ना अपन, सेम सेम वैसे दिखते। देखो देखो में, और जैसा अपना बॉम्बे है ना, यानी वहाँ हॉलीवुड, ये अपने कनाडा का, यहाँ सब एक्टर्स लोग वगैरह शूटिंग्स वगैरह सब यहीं पे होती है। जैसा अपने इंडिया का बॉम्बे है, उसी टाइप ये कनाडा का हॉलीवुड है, हॉलीवुड। तो देखो रास्ते, देखो मूवी में देखते ना अपन, सेम सेम वैसे ही। अभी आज थोड़ा सा वो यानी बदली बदली का मौसम है, इसीलिए थोड़ा ब्लैक दिख रहा है, लेकिन जब उजाला रहता, वाह।
से बड़ी बड़ी, अपने बॉम्बे के जैसी यहाँ पे भी खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और एकदम साफ सुथरा, लेकिन अपने बॉम्बे में थोड़ा गंदा दिखता है और बदबू भी आती है, यहाँ नहीं है, एकदम क्लीननेस है। समझ लो आप ही घूम रहे हो वैनकूवर के रोड पे। You want to keep it in front? Yeah, if you can give it back to me. There you are. Yeah, well, it takes money, you know, it's not free. It's all about luck. Okay, thank you. और अभी हम लोग डाउनटाउन में आए हैं वैनकूवर के, और यहीं पे कई एक्वेरियम है तो हम लोग ढूंढ रहे थे। वैसे निखिल ने ये लोकेशन तो लगा लिया था, लेकिन हम लोग तो भी घूमना करके और ये रोड से वो रोड से जा रहे थे, और आप लोगों को भी दिखना चाहिए, इसीलिए मैं वहाँ के सब बिल्डिंग्स का वीडियो ले रही थी। तो चलो चलते हैं अभी एक्वेरियम में। और अभी हम लोग जा रहे थे स्टैंडली पार्क करके है उसी रोड से जा रहे थे, और वहाँ पे इतने सारे चेरी ब्लॉसम के ट्रीज थे, यानी पेड़ थे, और इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा था, और पूरे लाइट पिंक कलर के और वाइट कलर के, बारिश भी आ रही थी। हम लोग वहाँ रुके नहीं क्योंकि अगले दिन हमको यहीं पे आना था और आपको अच्छे से डिटेल में दिखाना था, इसलिए जाते जाते मैंने थोड़ा सा जितना भी जमता है, क्योंकि खिड़की के बहुत बारिश आ रही थी, और देखो आपको दिख भी रहा है कांच पे हमारे पूरा पानी पानी, लेकिन ये नज़ारा वाओ सही में था। और फिर दूसरे दिन हम लोग यहाँ पे आने ही वाले हैं, इसलिए इतना ही देख लो अभी के। और अभी हम लोग पहुँच गए एक्वेरियम में। ये एक्वेरियम का फ्रंट साइड है एंड एंट्री था जहाँ से, तो इतने अच्छे सुंदर सुंदर कांच की फिश लगाए थे उन्होंने, और एंट्री बहुत सुंदर थी, अंदर तो बहुत ही सुंदर था। और ये देखो पूरे कलरफुल फिशेस, ये एक्वेरियम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और ये एक्वेरियम में इतने सुंदर सुंदर कलरफुल फिश थे ना, एकदम से जैसे अपन ड्रॉ करते हैं और उसमें कैसे कलर भरते हैं, सेम उस टाइप के येलो ऑरेंज और ऐसे शेडिंग दिए हुए उस टाइप के फिश थे। मैंने पहली बार ही देखी थी मैंने, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और वैनकूवर के एक्वेरियम में देखो इंडियास वेस्टर्न घाट्स रिवर्स भी लिखा है, अपने इंडिया का नाम भी यहाँ पे लिखा है, और अपने इंडिया की जो जो नदियाँ है उसमें की जो जो फिशेस है वो सब दिखाया है। ये देखो मारी मारी कोड़ी दिखता है इधर, फिश और इट्स लीफ कितनी मोटली है, खाली पना है स्टिंग रे, और बोलते हैं आई वांट टू ईट हां, देखो वन स्लीपिंग नो स्लीपिंग इज कम जे खाए जाए ते तो खात नहीं, खाली झोप और ये विच वन यू लाइक। अरे पण हे एवढा पाहा ना केवढा मोठा मोठा आहे। ऑरेंज बर्ड देखो, या बदबू बहुत आ रही है, लेकिन ऑरेंज बर्ड है ना, ऑरेंज बर्ड
ऑरेंज बगुला अपना व्हाइट रहता ना इधर का ऑरेंज है और कछुए को चोच मार रहा है और कछुआ सोया ये उठ ही नहीं रहा है कछुए को बगुला जाके वो देखो उड़ गया दूसरे को भी उठाने आया था स्टार फिश के पीछे का भाग देखिए अंदर का जो देखो कितना फोकस देख रहा और ये हरे सब जिंदा है ये सब देखो ऐसे लग रहा है हरे कलर के फ्लावर्स है फ्लावर नहीं ये भी जीव जंतु है और ये व्हाइट और ये सब जेली फिश थी इतनी सारी जेली फिश थी और ये पता है ये फिश थोड़ी पॉइजन भी रहती है और वो डंक भी मारती है और अभी हम लोग मूवी देखने आए कुछ 20 मिनट की मूवी है जरूरत है और ये हमेशा ऐसी जैसे भी मैं बड़ी वीडियो चालू करती ये पैप 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 ऐसा कुछ तो अभी ये मूवी देखेंगे उसके बाद अभी बहुत थक गए हैं बहुत थक चुके हम लोग चल चल के नहीं अंदर ही इंडोर ही था बाहर तो बारिश आ रही है लेकिन चल चल के इतने पैर दर्द हो गए तो बैठने की इच्छा थी तो ये शो में आके बैठ गए वैसे इंक्लूड है वो अपनी जो टिकट निकाले थे उसमें ये शो भी इंक्लूड है तो चलो देखते हैं अभी क्या है कैसा है ये देखो दिख रहे हैं लेकिन ऐसे इतने हेल्दी वाले नहीं दिख रहे ऐसे थोड़े से बीमार टाइप के दिख रहे ठीक है अपने इधर देखने को नहीं मिलते ना चार ही है हाँ बुढ़े हो गए देखो सी और वो उधर एक बड़ी है उधर के साइड में ओ ये देखो ये भी इतनी बड़ी ये चिकनी चिकनी है और थोड़ी खरदुली खरदुली खरुज हुई है जैसी दिख रही है और ये देखो सील कितने बड़े बड़े हैं और एक दूसरा बेबी सील उसका दूध पी रहा और ये देखो डैडी बैठा है यहाँ पे और ये स्क्विरल देखो हम लोग पार्क में गए थे ना तो बस उसी के एकदम ऊपर जाके वो फ्लावर्स को खा रही थी इतनी सुंदर और ऐसी मोटी मोटी थी बहुत ही मोटी अपने ऐसे दुबले पतले वाली नहीं थी और वहाँ ना एकदम छोटे छोटे काले बंदर थे ये जो ऊपर चढ़ रहा है ना छोटा सा पिल्लू सा और बहुत सारे थे वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पेड़ पे चढ़ रहे थे और हो गया अभी हमारा एक्वेरियम देखना और देखो गाड़ी पार्किंग इतनी दूर है बारिश भी आ रही है और हम लोग जा रहे हैं और नज़ारा देखो ऐसे लग रहा है ना अपने इंडिया में आए जैसे अपने हिल स्टेशन कहीं शिमला वगैरह उधर के साइड दार्जिलिंग वगैरह बड़े बड़े पेड़ आ गए अभी ये क्रिसमस के छोटे छोटे नहीं है ये देखो और ये सब गाड़ियाँ देखो कैसे लाइन से लगा के रखी है तो ये था मेरा आज का व्लॉग आपको कैसे लगा अपने वैनक्यूवर के एक्वेरियम का तो आपको अगर अच्छा लगा तो आपको क्या करना है लाइक करना है शेयर करना है और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको सब्सक्राइब करना है और मुझे बहुत ठंडी लग रही है अभी मैं गाड़ी के अंदर जा रही हूँ निखिल भी आ गया सोनी भी आ गई डैडी भी आ गए और नज़ारा बहुत सुंदर है और बारिश भी आ रही है ठंडा ठंडा भी मौसम है और हम लोग अभी जाते गाड़ी में बैठते और मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कनाडा के व्लॉग अच्छे लग रहे हैं कि नहीं कमेंट्स करो लाइक करो शेयर करो तो मुझे दूसरे और डालने की इच्छा होती जाएगी और आपको कनाडा दिखाने की इच्छा होती जाएगी तो चलो मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में तब तक के लिए टाटा बाय बाय लव यू सुखा नहीं रहा सोई नहीं रहा रूपरेखा जी नहीं करा भगत रहा।